एक बार ना हम दोनों की शादी होने दे बबली, फिर तू देखना इस घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली है भाई गॉड। पर ये मेरे और संजू के प्यार की बात किसी को बताना मत। परिणीति में शादी का माहौल चल रहा है, यहाँ पर सगाई की तैयारी चल रही है और भाई यहाँ पर नीति सगाई कर लेती है राजीव से, लेकिन जो अंगूठी होती है ना राजीव के हाथ में वो खो जाती है और नीति की सगाई अभी नहीं हो पाती और सारे लोग बीच में रुक जाते हैं। पता नीति को आपका 80 रुपए पहले दिखा क्यों नहीं? बड़ी माँ ने उन्हें वॉर्न भी किया था, उन्हें बोला भी था अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर बड़ी माँ यहाँ होती ना थी, आपकी असलियत कब की बता चुकी होती दी को। उससे पहले ही किसी ने गणपति में चाकू मार के कोमा में पहुँचा दिया। वहीं पर राजीव बोलता भी है, बड़ा खुश भी होता है कि अरे भाई चलो सगाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं शादी देखूंगा मैं। और क्योंकि भाई उसका मन नहीं है ना यहाँ पर राजीव का शादी करने का। पागल हो गई है क्या, क्या बोले जा रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्ची पागल, मैं मजाक कर रही थी यार। एक्चुअली ना मेरे कमरे का शीशा थोड़ा खराब है, मतलब टूट गया है थोड़ा सा, और तुझे तो पता है टूटे हुए शीशे में अपनी शक्ल कभी नहीं देखते, वरना आपकी किस्मत भी टूट जाती है। हमने देखा ही था ना किस तरीके से यहाँ पर दोनों लोग फेरे भी लेते हैं परी और राजीव मिलकर, लेकिन गुरविंदर आ जाती है और गुस्सा भी करती है और राजीव कहता भी है मैं तो जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ नीति के साथ, इसलिए बस यहाँ आके शीशा देख रही थी और थोड़ा टचअप कर रही थी। तू भी ना कुछ भी बोलती है, और हाँ डोंट वरी किसी की जगह नहीं ले रही मैं, पर हाँ ये बात सच है कि मैं जीजू से शादी जरूर कर रही हूँ, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। तो यहाँ पर गुरविंदर गुस्सा भी करती है कि तुम मेरी बहुत बेइज्जती करा रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम दूसरी औरत के संग कैसे उसका साथ दे सकते हो, यहाँ पर उसके संग फेरे ले सकते हो, नीति तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये भी बात सच है कि हमारी शादी के बाद इस घर में खुशियां ही खुशी आने वाली, पता है क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तेरे चीजों के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। यहाँ पर राजीव को बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन राजीव की समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं। वहीं भाई हमने एक प्रोमो भी देखा था ना जिसमें हम देख रहे थे कि गुरविंदर का एक वीडियो सामने आ गया है परी के सामने, और वो देख रही है कि भाई परी गुरविंदर को किस तरीके से नीति धक्का दे देती है, और वो उसके सामने जैसे ही आएगा ना तो सामने राजीव और नीति के फेरे चल रहे होते हैं, और नीति और राजीव के फेरे वो रुकवा देगी बीच में और गुरविंदर से पूछेगी कि ये सच क्या है, इसने आपको मारने की कोशिश की थी क्या, नीति ये सब का कारण है। और यहाँ पर शायद पुलिस वाले भी आ जाएंगे उस टाइम, और पुलिस वाले भी बता देंगे कि भाई जो घूंघट वाली लड़की आप ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं नीति है। तो भाई अब शायद परी के सामने आ जाए सारा सच और नीति हो जाए एक्सपोज, क्योंकि काफी दिन हो गए ना नीति का सच ही सामने नहीं आ रहा, और परी तो भाई इतना ज्यादा प्यार करती है, इतना ज्यादा विश्वास करती है नीति के ऊपर कि कुछ सोचने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर देखा है ना कि नीति की सिर्फ इज्जत बचाने के लिए कि नीति का बच्चा होगा तो उसको बाप की कमी महसूस होगी और उसके बाप का नाम कौन देगा, तो सिर्फ इसी वजह से उसने राजीव को भी कुर्बान कर दिया है भाई। तो यहाँ पर परी तो बहुत विश्वास करती है नीति के ऊपर, तो अब जब उसका विश्वास टूटेगा, जब सारे सच सामने आएगा तो क्या होगा परी का रिएक्शन, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं ये सारा सीन देखने के लिए परिणीति में।